हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फुल साइज़ कैप लेकर आई हूँ। ये कैप देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। इस कैप को बनाने में 74 ग्राम ऊन लगी है। 74 ग्राम्स डोरी वाली वूल से बुनाए हैं हमने इसको, क्रोशे की जो वूल आती है। और ये हमारे कैप का बॉर्डर है, स्ट्रेचेबल बॉर्डर है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स, आजकल गर्मी चल रही है, अगर आप सिलाई की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक और चैनल है सोफिया ट्रेंडी फैशन, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं लेडीज़ कुर्ती की वीडियोस अपलोड करती हूँ, डिज़ाइनर कुर्ती की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बुनाई और क्रोशे की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी पिक FB पर शेयर कर सकते हैं। ID का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 12 नंबर का क्रोशिया है। इस तरह हम फोल्ड करेंगे और दो चेन बनाएंगे, 1 2। अभी हम धागा खींच देंगे इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट नोट लग गई है। हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 चेन हमारी बन गई हैं। पहली वाली चेन में हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमारा राउंड बन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पर ऊन आ गई है। अब हम होल में से, सर्कल में से ऊन खींचेंगे। अब हमारे क्रोशिया पे 3 ऊन है, 1 2 3। क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, फिर 2 ऊन में निकालेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। और ये हमारी 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया के इक्वल है, देखिए। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। इसी तरह हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 3 4 5। फ्रेंड्स, ये हम टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 16 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, 16 डबल क्रोशिया चेन बनाएंगे अब हम। और पहला वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, जो पहला डबल क्रोशिया है इस तरह, ये एक राउंड हमारा बन चुका है। दूसरा राउंड बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है। यहीं पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले डबल क्रोशिया में से ही। अब हमें फ्रेंड्स एक डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, 1, यहीं से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। देखिए, अब आगे वाली डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। इसी तरह से हम एक डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और पहले डबल क्रोशिया में स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे, 1 2 3। 3 चेन हमने बना ली है, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे ऊन आ गई है। पहले डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद आगे वाले डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह हमने सेकंड राउंड में बनाए हैं, 1 2। अब देखिए, आगे वाले डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा राउंड है। इसी तरह फ्रेंड्स, हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3। अब हम फोर्थ राउंड करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है। एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस राउंड को इस तरह ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमारे 6th राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3। 3 राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन 4th 5th 6th राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए, 6 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं
और इसकी जो चौड़ाई है फ्रेंड्स वो 4 इंचेस से ज़्यादा है, 4 इंच 2 mm। फ्रेंड्स गली हम इस तरह बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 सेवेंथ राउंड है हमारा। तो पहली वाली जो हमारी चेन है उसमें से हम ऊन खींचेंगे। देखिए हमारे क्रोशिया पे 2 ऊन है, 1 2। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें से हम फ्रंट पोस्ट में से ऊन लेंगे। अभी हमारे क्रोशिया पे 3 ऊन है, 1 2 3। क्रोशिया घुमाएंगे, 1 ऊन में निकालेंगे, अब क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, और क्रोशिया घुमाएंगे फिर 2 ऊन में निकालेंगे। रिपीट करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, और ये जो हमारी पहले वाली जो वो है इसमें से ऊन खींचेंगे, 1। अब इसमें से लेंगे 2, दोबारा से फ्रंट पोस्ट में से लेंगे। हमारे क्रोशिया पे देखिए 4 ऊन है, क्रोशिया घुमाएंगे, 1 ऊन में से निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में से निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, फिर 2 ऊन में से निकालेंगे, फिर क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में से निकालेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट हमारे हो गए हैं। अब हम 1 चेन बनाएंगे, यहाँ से 1 ऊन खींचेंगे, 1 2। हमारे क्रोशिया पे 3 ऊन हो गए हैं, 3 4। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तीसरा फ्रंट पोस्ट है ये हमारा। देखिए क्रोशिया घुमाया, 1 ऊन में निकाला, क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला, फिर क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला, फिर क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला, और क्रोशिया घुमाया, फिर 2 ऊन में निकाला। अब 1 चेन और बनाएंगे, फिर से 3 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे। क्रोशिया पे हमारी 1 ऊन है, 1 2 3 4 5। देखिए हमारे क्रोशिया पे 5 ऊन है। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 4th वाला है ये हमारा। इसको इस तरह से यहीं पर थोड़ा लूज़ करके क्रोशिया घुमाएंगे, 1 ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, फिर क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे। ये हमारे 4th फ्रंट पोस्ट हो गए हैं। अब 1 चेन बनाएंगे, यहाँ से ऊन लेंगे, हमारे क्रोशिया पे 2 ऊन हो गई हैं, 2 3 4 5 6। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे, फिर क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में निकालेंगे। इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। देखिए 5 राउंड में ये हमारी कली बन गई है। 5 टाइम हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। अब हम 6 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए एक हमारा ये हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर हम स्लिप क्रोशिया बना देंगे। आपकी जो ये कली है इस तरह उठी उठी शो होगी। 1 2 हमने 2 चेन बनाई। पहली वाली चेन में से ऊन खींचेंगे, हमारे क्रोशिया पे 2 ऊन हो गई हैं। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, हमारे क्रोशिया पे 3 ऊन है, 1। क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में से निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में से निकालेंगे। अब 1 चेन बनाएंगे, ऊन उठाना शुरू करेंगे, क्रोशिया पे 1 ऊन है, देखिए 2 3। हमारे क्रोशिया पे 3 ऊन हो गई हैं, फ्रंट पोस्ट में से 1 ऊन लेंगे। अब हमारे क्रोशिया पे 4 ऊन है, क्रोशिया घुमाएंगे, 1 ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, फिर 2 ऊन में से निकालेंगे, फिर क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में से निकालेंगे, और फिर क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में से निकालेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट हमारे हो गए हैं। एक और चेन बनाएंगे, ऊन खींचेंगे, हमारे क्रोशिया पे 2 ऊन है, 2 3 4। अब हम फ्रंट पोस्ट में से लेंगे, तीसरा फ्रंट पोस्ट है ये हमारा। इस तरह से क्रोशिया घुमाएंगे, 1 ऊन में से निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 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 ऊन में से निकालेंगे। 3 फ्रंट पोस्ट हमारे हो गए हैं। अब हम 1 चेन और बनाएंगे। अब यहाँ से ऊन उठाना शुरू करेंगे, 2 ऊन हमारे क्रोशिया पे, 3 4
पाँच, तीन फ्रंट पोस्ट हमारे हो गए थे, अभी हमारा फोर्थ फ्रंट पोस्ट है। कुरेशा घुमाएंगे, एक उनमें से निकालेंगे, कुरेशा घुमाएंगे, दो उनमें से निकालेंगे, कुरेशा घुमाएंगे, फिर दो उनमें से निकालेंगे, चार फ्रंट पोस्ट हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम फिफ्थ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, ऊन उठाना शुरू करेंगे। वन, देखिए दो ऊन हमारे कुरेशे पे, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। फ्रंट पोस्ट में से लेंगे एक, कुरेशा घुमाएंगे, एक ऊन में से निकालेंगे, कुरेशा घुमाएंगे, दो ऊन में से निकालना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स अब हम सिक्स डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स वाले में हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे और आगे की कलियों को बना लेंगे। सेवेंथ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम एट्थ राउंड इस तरह करेंगे, चार चेन बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर। फ्रेंड्स हमने पहले तीन चेन बनाई थी, अब हम चार चेन बना रहे हैं, ये हमारे डबल क्रोशिया का साइज बढ़ जाएगा। अब दो एमएम से ज़्यादा है, अभी क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे छह डबल क्रोशिया हैं, आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो हम जो बीच में यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया में से। यहीं पर हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे एक डबल क्रोशिया में से, वन देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही हुक में से। इसी तरह हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे कली के बीच में, बाकी सब में से हम एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स एट्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम नाइन्थ राउंड इस तरह करेंगे, चार चेन बनाएंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया, कली के बीच में से हमने एक डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाए थे एट्थ राउंड में। अब नाइन्थ राउंड में हम आगे इंक्रीज करेंगे, वो किस तरह मैं आपको अभी बताती हूँ। जहाँ पर ये हमारी कली कंप्लीट हो रही है वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए वन, और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद हम यहाँ एक डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। नाइन्थ राउंड हम इसी तरह बनाएंगे। नाइन्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमारी कली लास्ट हुई थी वहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, आप देख सकते हैं, और बीच में हमने एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाया है।
देखिए फ्रेंड्स, ये कली हमारी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, तो हम यहाँ तक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। हमारा 10th राउंड शुरू है, कली के बीच में आ गए हैं हम। यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, 1, 2। फर्स्ट चेन में से धागा खींचेंगे, देखिए, और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट में से धागा लेंगे। कली बना रहे हैं अब हम। क्रोशिया घुमाया, 1 ऊन में निकाला, क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला, क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला। अब एक चेन बनाएंगे और धागा उठाना शुरू करेंगे, 1, 2। फ्रंट पोस्ट में से लेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे, 1 ऊन में निकाला, क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला, क्रोशिया घुमाया, फिर 2 ऊन में निकाला। एक चेन बनाएंगे, धागा उठाना शुरू करेंगे, 1, 3, 4। फ्रंट पोस्ट में से लेंगे, क्रोशिया घुमाया, 1 ऊन में निकाला, क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला, 3 फ्रंट पोस्ट हो गए ये हमारे। अब एक चेन बनाएंगे, धागा उठाना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब ये हमारा 4th फ्रंट पोस्ट हो गया है। अब हम एक चेन बनाएंगे, 4th फ्रंट पोस्ट हमारे हो गए हैं, धागा उठाना शुरू करेंगे, 1, 2। क्रोशिया में हमारी 3 धागे हैं, 3, 4, देखें, 5 एंड 6। देखिए धागे पर हमारी 6 ऊन है। एक फ्रंट पोस्ट में से लेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 1 ऊन में से निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 ऊन में से निकालेंगे। स्टार्टिंग में हम 1 ऊन में से निकाल रहे हैं और उसके बाद 2 ऊन में से निकाल रहे हैं, इस तरह से। ये हमारी एक कली बन गई है। अब हम 6 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यहाँ पर एक स्लिप क्रोशिया बना देंगे। हमारी कली बन चुकी है। अब हम दूसरी कली बनाएंगे, इसी तरह से 2 चेन बनाएंगे। 7th राउंड में हमने कलियाँ बनाई थी, 8th राउंड में हमने क्रोशिया इंक्रीज किए कली के बीच में से, 9th राउंड में हमने यहाँ से डबल क्रोशिया इंक्रीज किया, 1 डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाए, और 10th राउंड में हमने कलियाँ बनाई है। इसी तरह हम ये 3 राउंड रिपीट करते जाएंगे और अपने कैप को आगे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कली राउंड के बाद हमने डबल क्रोशिया के 2 राउंड बनाए हैं और उसके बाद हमने कली राउंड बनाना शुरू किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 इंचेस की लेंथ में बुन लिया है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा लास्ट कली राउंड था, इसलिए अब हम 4 चेन बनाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया में से हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करने हैं अब, क्योंकि हम बॉर्डर बनाएंगे। इसी तरह 1 डबल क्रोशिया में से 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। आप इसको इस तरह फोल्ड करें, अपने कैप को इंची टेप से इसको ऐसे साइज कर लें। देखिए हमारा 14 इंचेस है, डबल में ये 28 इंच हो रहा है, 28 इंचेस। हमारे जो हेड की चौड़ाई होती है वो 24 इंचेस होती है और ये 28 इंचेस है, 4 इंचेस हमें घटानी है। देखिए फ्रेंड्स, 3 चेन हमने बना ली हैं। अब हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे, ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। देखिए सामने से क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेंगे। आपको हर 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 डबल क्रोशिया स्किप कर देना है। इस पर अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक फ्रंट पोस्ट,
एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट। अब हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 and 3, तीन डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। अब हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, तो एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे वाले से फ्रंट पोस्ट बनाना शुरू करेंगे। देखिए, एक फ्रंट पोस्ट बनाया, एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट। अब ये वाला डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और आगे वाले से बैक पोस्ट बनाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और एक बैक पोस्ट, और तीन डबल क्रोशिया के बाद हमें एक डबल क्रोशिया स्किप कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का। जो चौड़ाई है हम यहाँ से नापेंगे। देखिए ये इसका ढलाव है, झुका हुआ आया है इसमें। ये अब हमारा 24 इंचेस हो गए हैं, 12 इंच। आगे का राउंड हम इस तरह करेंगे, 1, 2 and 3, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया है। फ्रंट पोस्ट जो है उस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट पर फिर फ्रंट पोस्ट। आगे का राउंड हम इसी तरह करेंगे फ्रेंड्स। फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट। इसी तरह हम अपने कैप का बॉर्डर बुन लेंगे। फ्रेंड्स, फ्रंट पोस्ट पर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। कैप का बॉर्डर हमारा बन चुका है। बॉर्डर की जो लेंथ है फ्रेंड्स, वो 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है, 1 इंच 2 mm है। अब हम ऊन को काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप कंप्लीट प्रिपेयर्ड हो चुकी है। आई होप आपको मेरी कैप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।